Alır kese yok, helesi yok. Hani bu asayı kan bende beni. Elika yok. Abi, hani no date care unboxing होगी भैया. मजाक ले दूँ क्या भाई को? हाँ भाई. ये भाई no date खरीदा है. अगर दिख रहा है तो इतनी अच्छी बात है. ये मैंने खरीदा दुबई से. As per YouTube, मैं पाकिस्तान में ही था और पाकिस्तान के अंदर ही कुछ पता नहीं. लेकिन अगर मैं स्नैपचैट फॉलो करें जो कि स्क्रीन पे आ रहा है तो आपको आइडिया होगा कि मैं अभी दुबई से होके आया हूँ. साफ सीधा मैं दुबई से परचेज़ किया है. मैं आने वाले तमाम व्लॉग्स जो भी आने हैं मार्च के अंदर वो सब दुबई रिलेटेड होंगे. तो आपको होपफुली देखने में मज़ा भी आएगा, उसमें बर्थडे व्लॉग भी आएगा, सब कुछ आएगा. तो पहले इसके अनबॉक्सिंग कर लें और इस पर रिव्यू भी कर लेते हैं. गुजार बर्थडे पे तो हाँ भाई, इसकी अनबॉक्सिंग हम करेंगे और इसकी अनबॉक्सिंग जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से होने वाली है. सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट बता दूँ आपको मैं कि 6.3 इंच की इसकी स्क्रीन है, ठीक है. और ये एच टू एच बेसिकली डिस्प्ले है इसका. 12 मेगापिक्सल कैमरा है इसका और 2160 पिक्सल तक ही जा सकता है. इसके अलावा 6 GB रैम लगी हुई है इसमें और 3300 mAh की इसमें बैटरी है. मैंने ड्यूटी फ्री से लिया है तो इसके साथ एक मेमोरी कार्ड भी आया है, वो है 128 GB का. वो आप देख सकते हैं इसमें नॉर्मली ऐसे नहीं आता. और पाकिस्तान में ये इस वक्त 1,10,000 रुपये का है, लेकिन मुझे ये 8,600 रुपीज़ का मिला है ड्यूटी फ्री दुबई से. वैसे एक्चुअली दुबई में 1,00,000 रुपये का है क्योंकि एक ऑफ़र आई हुई थी बड़ी टाइट वाली. इस वजह से मैंने जो है ना ये ऑफ़र अवेल की, उसमें डिस्काउंट था और डिस्काउंट अवेल होने के बाद मुझे ये 85,000 रुपीज़ का मिला. कैसा? इसको बगैर टाइम वेस्ट किए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं. मेरे पास कैंची होती है हमेशा अनबॉक्स करने के लिए. लोगों के पास छुरी चाकू होते हैं, लेकिन भाई जो है वो जो ख्याल करता है इन सब चीज़ों में. और मेरी प्लीज़ आवाज़ अगर कोई जहर लगे तो कोई बात नहीं, भाई की आवाज़ है ही ऐसे क्योंकि आप तो गला भी ख़राब है, लेकिन चलता है. ये इसमें एक्स्ट्रा पैकिंग हुई भी जस्ट बिकॉज ऑफ मेमोरी कार्ड. इसको यहाँ पर रख देते हैं और इसको हम अनबॉक्स करेंगे. वैसे ये फ़ोन जो है ये मेरा नहीं है बाय द वे, ये फ़ोन मेरी वाइफ का है, उन्होंने ख़रीदा है फ़ोन ये ना. तो ये 85,000 रुपीज़ का मिला है और इस ये स्टाइलस के साथ है ऑब्वियसली. तो ये नोट 8 जो है वो स्टाइलस के साथ है. इसी वीक बाय द वे वो रिलीज़ हुआ है S9, लेकिन S9 अभी आया नहीं, ऐसे लिया नहीं. और मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ नहीं, मेरे पास सारे आईफोन ही हैं दिमाग से. तो मैं आईफोन ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ को ये पसंद आया था फ़ोन, तो इस वजह से मैंने ये लिया. और मैंने कहा तो ठीक है ले लो आप, अच्छा फ़ोन है ये, मार्केट में एक्सपेंसिव है और हम चाहे लोगों को पता नहीं है कि ओपन कैसे होता है. तो दिस इज़ द बेबी, आपके सामने है ये, आपको दिखे तो ये आपके सामने है. कितना खूबसूरत फ़ोन है, चेक करें सब, इट्स ब्यूटिफुल. अच्छा नहीं अच्छा, इसके साथ स्टाइलस भी है, बस आप यूज़ कर सकते हैं इसको. आपको मैं इसको ऑन कर दूंगा, दिखा दूंगा सब चीज़ें तो आपको आइडिया हो जाए. वैसे आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ होगा, लेकिन ये ऑब्वियसली मैंने लिया है तो छुछुआपन तो पता है ना भाई पे ख़त्म है. इसके साथ और क्या क्या आया है वो देख लेता हूँ मैं. इसके साथ आई थिंक इज द यूजुअल बुक्स एंड शिट. ओ वाओ, इसका कवर भी है, ये तो पता ही था. इसका ग्लास कवर भी आया हुआ, इसको साइड करेंगे. इसका फास्ट चार्जर भी आया है ये, आई होप इसकी बैटरी हो थोड़ी बहुत ताकि जो इसको हम ऑन कर सकें. और ये देखें आपके सामने नोट बेबी जो है वो ऑन हो गया है, सैमसंग लिखा हुआ भी आया इसके अंदर. अगर आपको सुर सुर की आवाज़ है नाक की तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, क्या कर सकते हो आप, और कुछ कर सकते हो तो वो नहीं मेरा. तो भैया इसको हम कंपेयर करेंगे आज आईफोन 10 से और आईफोन 7 प्लस से, तो हमें आइडिया होगा कि बेसिकली किस में क्या चीज़ अच्छी हो क्या चीज़ अच्छी नहीं है. क्या कहते वीडियो बन रही देखें. और ये आईफोन 10 है, ये नोट 8 है और इसका कंपेरिजन फ्रंट कैमरा, आपको आइडिया हो जाएगा कि किसका ज़्यादा अच्छा है किसका नहीं. मेरे हिसाब से पर्सनली बताऊँ मैं अनबायस होके भी आईफोन 10 मुझे ज़्यादा अच्छा लगा. इसमें पता नहीं क्यों तो फेक फेक सारा फिल्टर लगा है नोट 8 में, लेकिन आईफोन 10 ऑलवेज माई फेवरेट और अमेजिंग. कैसा?
या अब हम ट्राई करते हैं स्लोमो। स्लोमो आपके सामने आ रहा है, आप स्लोमो चेक करें। आईफोन 10 का स्लोमो आपके सामने है। और अब आप चेक करें बेसिकली नोट 8 का स्लोमो, डिफरेंस आपके सामने है। तो भैया इसका बैक कैमरा है नोट 8 का, आपको दिख रहा है। ये मेरा बेसिकली सेटअप है, इसका बेसिकली व्लॉग करता हूँ। आप आईफोन 10 से चेक करें, इसकी वीडियो क्वालिटी चेक करें, इसकी वॉइस क्वालिटी चेक करें। हम ट्राई करते हैं दोनों फोन का सेल्फी मोड, कि सेल्फी किस में ज़्यादा अच्छी आती है। अब ट्राई करते हैं पोर्ट्रेट मोड, कि क्या डिफरेंस है आईफोन 10 वर्सेज नोट 8। इसमें लाइव फोकस के नाम से है नोट 8 में। तो भैया अभी हम टेस्ट आउट करेंगे कि फेस आईडी किसकी ज्यादा अच्छी है, आईफोन 10 की या नोट 8 की। लेट्स ट्राई इट आउट। अब चेक करते हैं किसका बायोमेट्रिक ज्यादा अच्छा है। फिर कंपेयर करते हैं, आई थिंक इसमें सैमसंग ज्यादा क्योंकि मेरे हिसाब से। तो हाँ भाई, मैंने 3 फ़ोन टेस्ट किए, ये बेसिकली नोट 8 है। सो कंपेयर किया बेसिकली मैंने आईफोन 10 एंड आईफोन 7 प्लस। जब मैंने इसको स्मार्ट स्विच किया आईफोन नोट 8 को, तो उसमें एडवांटेज ये हुआ कि इसका वॉलपेपर भी एडिटेज आ गया, विच इज़ अ गुड साइन। आई लाइक दिस फ़ोन, बट ये फ़ोन मेरा नहीं है, मेरी बीवी का है। इससे पहले मुझसे वो छीन ले, मैं ये वीडियो ख़त्म कर देता हूँ।